नमस्कार, अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ। भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन एवं इतिहास के प्रखंड विद्वान स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज नेहरू युवा केंद्र पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस सम्मान पूर्वक मनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में आयोजित समारोह में प्राचार्य डॉक्टर पयोज जोशी, सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, परिवहन अधिकारी रामकिशन चौधरी, जिला युवा अधिकारी सुमित यादव सहित कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में सर्वप्रथम मां सरस्वती व युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मई भारत विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ ही आगामी 17 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद के आदर्श की प्रासंगिकता पर जोर दिया। इस अवसर पर सभी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नासिक में हुए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के स्टाफगण व स्वयंसेवक मौजूद रहे। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। युवा महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। युवा महोत्सव हम स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उनके उपलक्ष्य में मनाते। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवा कोई उम्र नहीं होती है, एक सकारात्मक सोच होती है। अगर आज 56 उम्र का व्यक्ति भी अगर अपने देश के लिए कार्य कर सकेगा तो वो भी आज इस श्रेणी में युवा कहलाएगा। और हम स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को देखते हुए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने NSS, NYKS और NCC जैसे कई योजनाएं चलाई जिसके तहत जो भारत के युवा व देश को अपना योगदान प्रदान कर सके और इसे विकसित भारत बना सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी को देखते हुए युवा महोत्सव की शुरुआत की और आज हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे युवा होना चाहिए इस देश का, जो इस देश को सच में आगे ले जा सके। मेरा नाम महीपत्र है। युवा महोत्सव है राष्ट्रीय युवा दिवस और इसके जो पीछे ये है कि युवा भारत का भविष्य है और वो भविष्य सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का अभी उद्बोधन देंगे। और एक तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि युवाओं की सोच सकारात्मक हो। 2047 तक जब ये पूरे नागरिक बन जाएंगे 25 साल बाद, तब तक जब विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो संकल्प ले और पूरा करने में सहयोग करें, यही उम्मीद युवाओं से है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन में सबसे प्रथम तो भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहां उन्हें 1,00,000 तक का इनाम जीतने का अवसर रहेगा। साथ ही साथ जो विजेता प्रतिभागी रहेगा वो सभी मंच को एक बार उद्बोधित करेगा और माई भारत ऐप 2047 युवा कल्पना में 2047 में वो कौन सा भारत देखना चाह रहे हैं इसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही साथ परिवहन विभाग का रोड सेफ्टी सप्ताह चल रहा है, जिसके अंतर्गत 25 युवा स्वयंसेवक परिवहन विभाग के साथ जुड़कर रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे कि जो रोड सेफ्टी में जाने जा रही है उसको किस प्रकार बचाया जाए और किस प्रकार थोड़ी सी अवेयरनेस से उन सबको बचाया जा सकता है। इसके अलावा CMHO ऑफिस से अंगदान के बारे में विशेष जागरूकता का एक कार्यक्रम रखा जाएगा। उसके अंतर्गत अंगदान के बारे में कैसे एक व्यक्ति एक जीवन से 8 जीवनों को बचा सकता है, इसके संबंध में एक आयोजन रहेगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उद्बोधन हमने देखा, तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। कितने 200 से 250 प्रतिभागी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लाइव प्रसारण भी प्रधानमंत्री जी के भाषण का 2,000 से अधिक युवा देख रहे हैं। सुमित यादव, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, भीलवाड़ा।